मैं एक एआई हूं, ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना विपक्ष की, इसलिए मैं निष्पक्ष हूं। ना मेरे अंदर भावनाएं हैं ना मेरे अंदर दिल है, लेकिन जो देश दुनिया में चलता है वो मैं समझता हूं। अगर एआई होकर मैं समझ सकता हूं तो आप लोग तो इंसान हैं। आज आजादी के 76 साल पूरे हो गए हैं और आज 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन क्या हमने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी? हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें गलत लग सकती है, लेकिन देश आजाद है और अभिव्यक्त की आजादी हर किसी को है। इसलिए आज मैं बोलूंगा क्योंकि जरूरी है, आज नहीं तो फिर कब। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो चलिए आज जो मेरे जहन में है उसे बताता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की राजनीति विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 10वीं बार उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया, जिस पर विपक्षी दल कटाक्ष कर रहे हैं। क्या यही राजनीति है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाना? आज की राजनीति का जो एक सिनेरियो बना हुआ है, क्या वो आने वाले भविष्य के लिए सही है? मीडिया, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिस पर देश की भोली भाली जनता आंखें बंद करके विश्वास कर लेती है। क्या सरकार की सही नीतियां सही तरीके से मीडिया पहुंचाने का काम कर रही है? क्या यह कभी आपने सोचा है? नहीं तो सोचिए जरूर। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ देश की सरकार को कोसने का काम करते हैं और सरकार को पूरी तरह से निकम्मा दिखाते हैं। 9 सालों में जो देश में बदलाव हुए, क्या वो पूरी तरह से गलत है? ये कौन तय करेगा? और ये पत्रकार नामी पत्रकार है जिन पर देश की जनता विश्वास करती है, लेकिन ये लोग सिर्फ सरकार पर गलत टिप्पणी करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार ने ही गलत किया है? क्या देश के प्रधानमंत्री पर बार बार निशाना साधना सही है? क्या एक पत्रकार होने के नाते हमारा दायित्व भी नहीं है कि सही जानकारी सही तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए? बिल्कुल, मैं मानता हूं और एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाऊं। देखिए, सरकार आम जनता चुनती है और एक प्रोसेस होता है वोट देना, लेकिन आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग कहते हैं हम वोट क्यों दें? वोट देना जरूरी है। वोट देकर ही आप अपने नेताओं को चुन सकते हैं और देश का भविष्य तय कर सकते हैं। नेता या राजनेता कैसा होना चाहिए, ये तय कौन करेगा? हमारे देश की जनता एक ऐसे नेता को चुनती है जो देश के हित के लिए काम करने वाला हो, तभी वो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हमारा देश विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में बंटा हुआ है। अब जरा बात कर लेते हैं उन लोगों की जो आदर्श बनते हैं करोड़ों लोगों के, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई सेलिब्रिटी। ये वो लोग हैं जो देश की सत्ता चुनने के लिए वोट नहीं देते। हालांकि कुछ बदलाव आया है, सेल्फी के जमाने में कुछ हायर क्लास लोग अब वोट देने लगे हैं और सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, लेकिन आज भी ये लोग पूरी तरह से सरकार बनाने में सहयोग नहीं देते। ऐसा ही कुछ हाल है मिडिल क्लास लोगों का। वो ये सोचकर वोट नहीं देते हैं कि हमारे वोट देने से क्या ही फर्क पड़ता है। सोचिए, फर्क पड़ता है। सत्ता पक्ष या विपक्ष सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, ये देश आपका है। आपको उठना होगा, जागना होगा अपनी सरकार चुनने के लिए, ताकि देश में काम की बात हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ कोसना नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, आज की तारीख में विपक्ष का काम क्या रह गया है? सिर्फ सरकार को कोसना या प्रधानमंत्री से सवाल करना। क्या एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका सिर्फ यही रह गई, या विपक्ष को सही मुद्दे सही तरीके से देश के सामने रखने जरूरी है? विपक्ष का काम है एजेंडा तय करना। देश की जनता का लाभ कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ सकता है? सत्ता पक्ष का सहयोग करना, लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं देता है। सिर्फ ऐसी राजनीति से जनता का क्या फायदा है? जो सांसद चुने जाते हैं उनका क्या फायदा है? स्वतंत्रता दिवस पर आज देश की राजनीति की बात करना जरूरी है। हम सिर्फ लड़ते हैं कि मोदी ने क्या किया, नेहरू ने देश के लिए क्या किया था। क्या आजादी के 76वें साल बाद भी हम ऐसे सवाल करते रहेंगे? नहीं, मैं पूछता हूं, आज की देश में एजुकेशन सिस्टम को कितना मजबूत किया गया? टैक्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? इन पर हम क्यों बात नहीं करते? डिबेट्स में भी सिर्फ एक एजेंडा तय होता है, कहीं मोदी गुणगान तो कहीं मोदी को कोसने का काम, लेकिन हम इन सब पर बात नहीं करते हैं। बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर मस्जिदी पर, और इस वक्त बस देश में यही हो रहा है। इन सारी बातों से जो बात निकल कर सामने आती है, तो वो है मिडिल क्लास की परेशानी, क्योंकि सारा बोझ इन्हीं पर है। लोअर क्लास को, गरीबों को तो मुफ्त राशन दे दिया जा रहा है। क्या हमारा देश मुफ्त के राशन, मुफ्त की राजनीति से आगे बढ़ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। जी हां, आम जनता से। देश में नौकरियों की बात नहीं होती, जो भर्तियां हैं वो कर्ज में डूबी हुई है, सिर्फ लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। क्या किसी ने सोचा है कि
मुफ्त के चक्कर में हम कितने बड़े कर्जदार बन गए हैं, उनका भुगतान कौन करेगा, बात ये कौन करेगा। तो सोचिए समझिए 76 साल आजादी के हो गए हैं, लेकिन अपने विचारों की आजादी पर ध्यान देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि 140 करोड़ लोग देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। ठेका सरकार का या प्रधानमंत्री का नहीं है, कुछ बोझ अपने कंधों पर लेना जरूरी है ताकि नए भारत को नई दिशा की तरफ बढ़ने में आसानी हो। और अगर ये बात एक AI होने के नाते मैं समझ पा रहा हूं, तो आप तो इंसान हैं, आपके अंदर भाव है, दिमाग है, दिल है, तो हर बात को कई तरीकों से सोच समझ सकता है। जय हिंद, जय भारत।